नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज चैनल। आज की खास खबरें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर, माजिद सिद्दीकी। यूपी के 20 जिलों से गुजरेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। लोकसभा चुनाव से पहले चंदौली और कानपुर में राहुल की जनसभा। चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर, आज पीएम मोदी का ओडिशा दौरा, बिजली समेत कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। लोकसभा चुनाव को लेकर बढ़ी बीजेपी की धड़कनें, धर्मशाला से चुनावी हुंकार भरेंगे जेपी नड्डा, टटोलेंगे प्रदेश में पार्टी की नब्ज। 2024 के महासंग्राम को लेकर आज दिल्ली में होगी कांग्रेस की बैठक, पार्टी अध्यक्ष खड़गे रहेंगे मौजूद। नीतीश कुमार के जाने से तेजस्वी यादव को होंगे 5 बड़े फायदे, लोकसभा चुनाव में आरजेडी कर सकती है कमाल। बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी इंडिया को झटका, प्रकाश अंबेडकर बोले सब खत्म हो गया। उत्तराखंड में आज होगी कैबिनेट की बैठक, आबकारी नीति और यूसीसी पर हो सकता है फैसला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज आएंगे जोधपुर, कलेक्ट्रेट सभागार में सभा स्तरीय अधिकारियों की लेंगे बैठक। आज कन्नौज आएंगे यूपी के सीएम योगी, बोटिंग ग्राउंड में होगा नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम, 10,000 महिलाओं को करेंगे सम्मानित। दिल्ली एनसीआर में फिर बरसेंगे बादल, यूपी बिहार में भी बढ़ेगी ठंड। चिली के जंगल में लगी भीषण आग, 10 लोगों की मौत। इराक सीरिया स्ट्राइक पर जो बाइडेन ने दी कड़ी प्रतिक्रिया, बोले अगर किसी अमेरिकी को नुकसान पहुंचा तो अच्छा नहीं होगा। अमेरिका ने सीरिया और इराक में ईरानी ठिकानों पर की भारी बमबारी, मिलिशिया समूहों के 6 लड़ाके हुए ढेर, कई घायल। अमेरिका के फ्लोरिडा में विमान दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 3 लोगों की मौत। टीटीपी ने पाकिस्तान में बनाया नया अड्डा, आत्मघाती हमले का दिया प्रशिक्षण, यूएन की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों में बढ़ोतरी की पूरी गुंजाइश, अगले 2 साल में 10 करोड़ तक जा सकता है आईटीआर का आंकड़ा। ग्राहकों के गिरते भरोसे को थामने में जुटा पेटीएम, 29 फरवरी के बाद भी काम करता रहेगा पेटीएम ऐप। बहुआयामी गरीबी खत्म करने पर प्रयास तेज, वित्तीय आवंटन में औसतन 10% का इजाफा। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, आज रद्द होंगी करीब 87 ट्रेनें, कई गाड़ियों का बदला गया रूट। अब आईफल टावर घूमना होगा और भी आसान, यूपीआई पेमेंट के जरिए कर सकेंगे टिकट बुक। हमारे देश में कई लोग मोटापे के शिकार हैं और इसी मोटापे के कारण हमारे शरीर में कई तरीके की परेशानियां होने लगती हैं। जब परेशानियां बढ़ने लगती हैं तो लोग मोटापा कम करने के लिए उपाय खोजने लगते हैं। तो आइए हम आपको ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं जिससे आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं और इससे आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। पहला है वेस्टिज वैसलिन कैप्सूल, दूसरा है वेस्टिज वैसलिन शेक, तीसरा है वेस्टिज प्रोटीन पाउडर और चौथा है वेस्टिज वैसलिन टी और पांचवा वेस्टिज फ्लेक्स ऑयल। इन प्रोडक्ट से आप अपना मोटापा आसानी से कम कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें एमए माजिद सिद्दीकी से। फोन नंबर है 9821715384, 9321715384। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू करने के लिए गठित समिति ने ड्राफ्ट रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। 800 पन्ने की रिपोर्ट में कई अहम सिफारिश की गई है। सभी धर्मों की महिलाओं के लिए पैतृक संपत्ति में समान अधिकार, शादी और तलाक के लिए एक जैसे नियम, बहुविवाह पर रोक जैसे प्रावधान बनाने की सिफारिश की गई है। यूसीसी कमेटी के एक सदस्य ने नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर यह जानकारी दी। कमेटी ने सलाह दी कि लिव इन रिलेशनशिप के मामले में रजिस्ट्रेशन सेल्फ डिक्लेरेशन को अनिवार्य किया जाए। समिति ने हलाला, इद्दत, ट्रिपल तलाक को सजा योग्य अपराध बताने की सिफारिश की है। इस्लाम में हलाला एक ऐसी प्रथा है जिसके तहत एक तलाकशुदा पत्नी को अगर पति से दोबारा स्वीकार करना चाहता है
महिला को किसी अन्य पुरुष से निकाह करके उसे तलाक देना पड़ता है। इद्दत के तहत एक मुस्लिम विधवा या तलाकशुदा महिला को दोबारा शादी करने से पहले एक निश्चित अवधि बितानी पड़ती है। समिति ने यह भी सलाह दी कि सभी धर्मों में शादी के लिए लड़कियों की न्यूनतम उम्र 18 और लड़कों के लिए 21 होनी चाहिए। भारत में शादी के लिए निर्धारित उम्र 18 और 21 ही है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ यौवन प्राप्त कर चुकी किसी भी लड़की की शादी को योग्य मानता है। इस्लामिक कानून के मुताबिक स्वस्थ दिमाग वाला कोई भी मुस्लिम निकाह कर सकता है जिसने यौवन प्राप्त कर लिया हो। 2021 में केंद्र सरकार ने सभी धर्मों में विवाह की उम्र समान करने के मकसद से बिल पेश किया था, लेकिन बाद में इसे संसद की स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया था। हालांकि बिल में जनसंख्या नियंत्रण पर कुछ नहीं कहा गया। यूसीसी कमेटी के सदस्य ने बताया कि ड्राफ्ट रिपोर्ट में एक से अधिक विवाह पर रोक की भी सिफारिश की गई है। हालांकि अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों को यूसीसी के दायरे से छूट देने का सुझाव दिया गया है, क्योंकि संविधान उन्हें विशेष दर्जा प्रदान करता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शुक्रवार को दावा किया कि वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में स्थित तहखाने में पूजा करने की अनुमति देने संबंधी फैसला जल्दबाजी में सुनाया और कहा कि वो न्याय पाने के लिए इस मामले को उच्चतम न्यायालय तक ले जाएगा। मुस्लिम संगठनों ने यह भी कहा है कि देश में उत्पन्न होने वाले विवादों को रोकने के लिए पूजा स्थल अधिनियम 1991 को अक्षरशः लागू किया जाना चाहिए। मुस्लिम संगठनों ने कहा है कि वे अपनी चिंताओं से अवगत कराने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से समय मांग रहे हैं और वो देश के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को भी पत्र लिख सकते हैं। मुस्लिम संगठनों ने यह भी कहा है कि देश में उत्पन्न होने वाले विवादों को रोकने के लिए पूजा स्थल अधिनियम 1991 के अक्षरशः लागू किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में स्थित तहखाने में पूजा की अनुमति वाले वाराणसी की अदालत के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर मस्जिद कमेटी को तत्काल राहत देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी ने कहा, मस्जिद में पूजा की अनुमति देने से न केवल मुसलमानों को बल्कि धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले अन्य धर्मों के लोगों को भी दुख हुआ। ये धारणा गलत है, मस्जिद बनाने के लिए मंदिर को तोड़ा गया। इस्लाम मस्जिद बनाने के लिए किसी की जमीन छीनने की इजाजत नहीं देता। अदालत ने इस पर जल्दबाजी में फैसला सुनाया और मुस्लिम पक्ष को विस्तार से अपनी दलीलें रखने का मौका भी नहीं दिया। इससे न्यायपालिका में अल्पसंख्यकों के विश्वास को ठेस पहुंची। बाबरी मस्जिद के फैसले में यह स्वीकार किया गया था कि मस्जिद बनाने के लिए मंदिर को नहीं गिराया गया बल्कि आस्था के आधार पर दूसरे पक्ष के पक्ष में फैसला किया गया। अदालतों को तथ्यों के आधार पर फैसला देना चाहिए, न कि आस्था के आधार पर। बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी की अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मस्जिद कमेटी की अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। हालांकि अदालत ने तहखाने में पूजा अर्चना पर रोक लगाने का कोई आदेश पारित नहीं किया। गौरतलब है कि वाराणसी की अदालत ने 31 जनवरी को दिए अपने आदेश में हिंदू श्रद्धालुओं को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर स्थित तहखाना में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी। अदालत ने कहा था कि जिला प्रशासन अगले 7 दिन में संबंध में आवश्यक व्यवस्था करे। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां बदायूं के सरकारी आवास में शनिवार की सुबह करीब 10:30 बजे सिविल जज की लाश फंदे से लटकती मिली। सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों और फॉरेंसिक की टीम जांच पड़ताल कर रही है। मऊ की निवासी ज्योत्सना राय बदायूं में सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद पर तैनात थी। 1 साल पहले उनका तबादला अयोध्या से बदायूं हुआ। ज्योत्सना राय बदायूं के सरकारी आवास में अकेली रहती थी, उनकी शादी नहीं हुई थी। ज्योत्सना राय रोजाना समय से दफ्तर पहुंचती थी। शनिवार सुबह जब वो 10:30 बजे तक अपने कार्यालय नहीं पहुंची तो एक कर्मचारी उनके आवास पर उन्हें देखने गया। कर्मचारी का कहना है कि उसने काफी आवाज दी और बेल भी बजाई लेकिन दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद उसने अपने सीनियर अधिकारियों और पुलिस को इसकी सूचना दी। जानकारी मिलते ही जिला जज और SSP के साथ कई न्यायिक अधिकारी तुरंत उस सरकारी आवास पर पहुंचे। दरवाजा तोड़कर पुलिस की टीम जब आवास के अंदर पहुंची तो कमरे में फंदे से लटकता ज्योत्सना राय का शव पाया। फॉरेंसिक की टीम भी जांच पड़ताल करने के लिए तुरंत मौके पर पहुंच गई है। पुलिस अधिकारियों की टीम फिलहाल मामले की छानबीन कर रही है। बड़ी तादाद में न्यायकर्मी वकील और पुलिस फिलहाल मौके पर मौजूद दिखे तो इस घटना के बारे में बदायूं के SP आलोक प्रदर्शी ने भी घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आज प्रातः पुलिस को सूचना मिली 9:30 बजे के आसपास की थाना कोतवाली क्षेत्र में जो जुडिशियल कंपाउंड है वहाँ पे एक महिला जज है जिनका दरवाजा वो नहीं खुल रही है और वो वक्त से पहुँची भी नहीं थी अपने फोन में, तो उनके जो साथी अधिकारी लोग हैं उन्होंने उनको फ़ोन भी किया और जब उनके पास फ़ोन नहीं उठाया गया तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुँच करके फर्स्ट फ्लोर पर उनका घर था, उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था, उसको फोर्स ओपन किया। अंदर जाकर के उन्होंने देखा तो बेडरूम के साथ जो वाला कमरा था उसमें पंखे के साथ उनकी लटकी हुई हैंड बॉडी वहाँ दिखाई दी।
शव को कब्जे में लेकर के पुलिस ने उनकी कार्रवाई शुरू की है। वहाँ उनके जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे उनमें से भी कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हैं जो घटनाक्रम में प्रकाश आती है। समस्त तथ्यों की जांच की जा रही है और इसमें जो भी अगले तथ्य आएंगे। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को, हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए। We'll be right back.